तो क्या सिस्टम है, हम लोग आज से अपना स्टार्ट कर रहे हैं नोड जेएस को प्रॉपर से। और नोड जेएस क्या है, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम होता है और इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें हम लोग अपना बैकएंड का वो सर्वर तैयार कर रहे हैं जिस पर एक रिक्वेस्ट आएगी और उसका क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक तरह का डॉट एग्जिट कर रहा हूँ, सीएलएस कर रहे हैं। हमने क्या काम करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले अगर आपने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया ठीक से, आप लोगों ने क्या काम करना, नोड जेएस की वेबसाइट पर जाकर इसको इंस्टॉल करना है, nodejs.org की वेबसाइट पर जाकर, कुछ यहाँ पर nodejs.org आपने ये LTS वाला करना है जिसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपकी, इसको डाउनलोड कर लो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने जब इसको टेस्ट करना है आप लोग लिखोगे नोड और खाली एंटर कर दो इस चीज को आकर। जब आप लोग ये काम करते हो ना, आपको आगे शो करवाते हैं यार आपकी नोड की वर्जन कौन सी चल रही है। आप लोगों को बाद में वर्जन का इशू आ जाए तो मैं आपसे बार बार कहूंगा आप लोगों ने जो है ना लेटेस्ट फीचर्स डाउनलोड नहीं करने हैं करंट वाले, क्योंकि देखो ये वर्जन चेंज होगी 19 आ चुकी है यहाँ पे आके, ये 18 है, बिल्कुल चेंज होगा जो मेरा कोड है वो आपका काम नहीं करेगा फिर। तो आप लोगों ने LTS वाले चूज करना है यहाँ पे अगर आप किसी का डाउनलोड नहीं है तो। ठीक है, अब सीन को चेक मैं आकर करता हूँ यहाँ पे आके एक कॉन्स्ट करके, मेरा नेम इज इक्वल टू कर देते हैं आप लोग आकर हारिस, और उसके बाद आकर मैं कहता हूँ अगर नेम, आप देखो कि मुझे हारिस यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आपका जो नोड जैसा सिंपल वो एक आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है और उस आर्किटेक्चर को कहा जाता है आपका रैपल। मैं अपना यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अपना वर्डपैड ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं यार कि रैपल क्या होता है। सो रैपल क्या है, हमारे पास हमारा जो नोड जेएस लिख रहा हूँ नोड जेएस वर्क ऑन, मैं कर रहा हूं एक मिनट, रैपल आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर, और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं, पहले इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कि नोड जेएस हमारा जो वर्क कर रहा है रैपल आर्किटेक्चर को। अब ये रैपल क्या होता है, आर ई पी एल, रैपल। ठीक है, अब रैपल क्या है, सिंपल है, रीड एवेल्युएट, देन आएगा हमारे पास हमारा प्रिंट, लास्ट आएगा हमारे पास हमारा लूप, कुछ ये हमारा रैपल कुछ ये होता है। यार वो क्या काम करते हैं, आपके कोड को जो आपने कोड लिखा है पहले उसको रीड करेगा, उसको प्रिंट करवा एवेल्युएट करेगा, अगर उसकी एवेल्युएशन है तो उसके बाद उसको प्रिंट करवा देगा और लूप चला देगा दोबारा से, दोबारा वही काम करता रहेगा, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप, रीड एवेल्युएट प्रिंट लूप, आपका रैपल कुछ ये हो रहा होता है। ठीक है, आपका जो नोड जेएस है ना वो कुछ इस आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है। जैसे उसने यहाँ पे आके देखा, पहले उसने मैं ये वेरिएबल सीन रीड किया, यार वेरिएबल एक नेम नाम से उसकी वैल्यू है हारिस, उससे उसके बाद क्या काम, उसको एवेल्युएट किया, एवेल्युएट के बाद उसने क्या काम, उसको प्रिंट करवाया हारिस को, और अगर दोबारा उसको मैं करूंगा तो वो दोबारा मुझे प्रिंट करवा के देगा हारिस। ये लूप चल गया हमारे पास यहाँ पे। हमने बात की है यार अगर आपने अपनी पिछली कमांड ऐड करनी है, आप अपना अप एरो यूज करो, आपकी पिछली कमांड आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, अच्छा जब मैं इसको डॉट एग्जिट कर रहा हूँ यार, डॉट एग्जिट किया, सीएलएस करते हैं ताकि मैं अपने उससे बाहर निकल आऊं। सीन कुछ है, मैं अब आकर अपनी एक फाइल जनरेट करूं जिसका मैं नाम रख रहा हूं index.js, और इंडेक्स नीस का नाम रखूंगा इस बार आकर app.js। और अब app.js में हम लोग क्या काम करते हैं, प्रॉपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इधर आकर मैं ये काम, एक और काम करूंगा, इसको टर्मिनल को ओपन रखते हैं हम लोग यहाँ पे आके, और अपना जो है ना साइड बार बंद करो, कंट्रोल बी उसकी शॉर्टकट की आपके साइड बार को बंद करने के लिए। सिंपल है, मैं आपका अब प्योर जेएस को यूज कर रहा हूँ और प्योर जेएस में लोग वो अपने लॉजिक सारे के सारे यूज कर रहे हैं जो हमने देखे हैं अपने जेएस में। अच्छा अब सीन कुछ ये है, यहाँ पे आके मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स करके, प्योर जेएस है, ब्राउजर को एक्सपेक्ट ना करके, मैं आपको ब्राउजर में कोई चीज शो करवाऊंगा, ब्राउजर नहीं हमारा, कॉन्स करके हम लोग क्या काम करते हैं, नंबर इज इक्वल टू, कॉन्स नंबर इज इक्वल टू आकर मैं कर रहा हूं मेरा लेट सपोज 12 एक वेरिएबल है, और उसके बाद आकर मैं अपनी कुछ कंडीशन ऐड कर रहा हूं, इफ एल्स कंडीशंस। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आके अगर मेरा जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 10 है, तो आप क्या काम करो, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग कर दो यहाँ पे आकर, वो कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, मेरा नंबर इसको मैं आकर लिख देता हूं, मेरा ग्रेटर देन 10 है तो लार्ज नंबर, लार्ज नंबर। ठीक है, या ग्रेटर नंबर, अच्छा जी, और वरना आते हैं हम लोग एल्स में, वरना उसको बोल देंगे हमारा कंसोल डॉट लॉग और स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर कुछ इस तरह से चीज। ओके जी, अब आके मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मुझे अब इसको रन कैसे करेंगे, आप लोग आओगे अपने टर्मिनल में, आप लोग लिखोगे नोड करके आगे अपनी उस फाइल का नाम जिस फाइल में आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। मेरे फाइल का नाम क्या है, आप लिखोगे सिंपल ऐप, यहाँ पे अगर आप टैब प्रेस करो तो ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीट कर देगा खुद ही, उसको टैब प्रेस करो कंप्लीट हो गया खुद ही, app.js पर एंटर करो, ग्रेटर नंबर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन अगर आकर मैं इसको जो है कर देता हूँ मेरा कोई 6, फिर क्या होगा, आप दोबारा से उसको रन करोगे, नोड करके दोबारा करो, अपर मैंने प्रेस किया है
अब आएगा हमारे पास हमारा स्मॉलर नंबर, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही मैंने बेसिक सा एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जिसमें वो मुझे बता रहा है मेरा स्मॉलर नंबर है या फिर मेरा ये लार्जर नंबर है। सिंपल बेस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों की। बस एक काम मैं यहाँ पे आके आप कुछ करने वाला हूँ, वो काम मेरा क्या होने वाला है, वो काम मेरा कुछ होने वाला है कि मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ अपने मॉड्यूल्स के बारे में कि ये आपके मॉड्यूल्स क्या होते हैं। पहले मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और शायद इसमें मैंने आपको जो चीज दिखाई है शायद इसमें मॉड्यूल्स की बेस पर मॉड्यूल कैसे कुछ बताया होगा। मॉड्यूल का आएगा इसने इधर इसमें कुछ नहीं बताया, चलो मैं आपको मॉड्यूल का बता देता हूँ। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग अपनी रिएक्ट को कवर कर रहे थे हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। कैसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होती थी एक और एक होती थी सिंपल एक्सपोर्ट। हमारे पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब होता था कि यार अब आप उसको इंपोर्ट करो किसी भी नाम से, और सिंपल एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप उसी नाम से उसको इंपोर्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट में उसको इंपोर्ट करना है। कुछ ये चीजें थी हमारे पास। अब देखो वो करके आ रहा था इंपोर्ट कर रहा था अपने कंपोनेंट्स को, हमारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे सिस्टम कुछ आपका जो मॉड्यूल है ना नोड जेएस के अंदर आपकी हर फाइल बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होती है। अगर ऐप डॉट जेएस बनाई है मैंने वो खुद एक अपने आप में मॉड्यूल है। अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस बनाता हूँ वो खुद अपने आप में एक मॉड्यूल है। मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट नहीं कर रहा, वो क्या काम कर रहा है वो पूरी फाइल को ही टारगेट कर रहा है। आपका पूरा फाइल जो है वो आपकी पूरी मॉड्यूल ही है। अब सीन कुछ है मैं यहाँ पे आके अपने कुछ कह लो के नाम लिख रहा हूँ और एक अपना बेसिकली मैं फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन होगा बेसिक बिल्कुल फंक्शन बेस वाला और इसको बोलते हैं से हाय ठीक है। और इसको मैं आकर क्या काम करूँ मेरा पैरामीटर पास कर रहा हूँ नेम के नाम से, कर सकते हैं ऐसे। और अब आकर हम लोग क्या काम करते हैं कंसोल डॉट लॉग करते हैं इस चीज को आकर और हम लोग इसको बोल देते हैं हे हाउ आर यू और मैं इसको बैकटिक दूंगा यार, मैं इसको बैकटिक दे रहा हूँ आकर, ठीक है। हमने बैकटिक देखे हुए अपने क्या काम कर रहे हैं, बैकटिक दे रहे हैं हाउ आर यू और आगे मैं उसको दूंगा मेरा नेम। तो अब अगर मैं अपने किसी फंक्शन को रन करता हूँ मैं जैसे आके मैं बोलता हूँ से हाय को आप कॉल करवा दो, ऐसे ही है से हाय को आकर मैंने कॉल करवा दिया और मैं इसको आप रन करता हूँ नोट करके अगर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट जेएस तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या मिलने वाला मुझे एग्जैक्टली हे हाउ आर यू अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने जो मेरा पैरामीटर पास किया उसको मैंने आगे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। और वैसे यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा इसको कोई लेट्स सपोज आर्ग्यूमेंट अगर पास कर देता हूँ अली का तो अब क्या होगा हे हाउ आर यू अली, हमें कोई मसला नहीं याद आकर उसने हाउ आर यू अली को बोल दिया है। अब सीन कुछ है मैं इसको कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट तरीके से देना चाह रहा हूँ इस बार आकर, ऐसे में डायरेक्ट इसका अली नहीं पास करूंगा, इसको डायरेक्ट अली नहीं दे देंगे। अब आकर मैं बोलूंगा इसको आप ऊपर आकर कुछ अपने वेरिएबल्स बनाओ कॉस्ट नेम वन या नेम वन, मैं इसका नाम नहीं रखूंगा इस बार आकर, मैं इस बार इसका नाम रखूंगा प्रॉपर हारिस, हारिस के नाम से मेरा वेरिएबल है और इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है हारिस, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कोई मसला है इसमें। सिंपल वेरिएबल है हारिस और उसकी वैल्यू भी हारिस ही है ताकि मुझे वेरिएबल का समझ आ जाए कि उसकी वैल्यू क्या है। सिंपल यार मैंने ये काम इसलिए किया, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्स्ट अली जिसकी वैल्यू होगी अली ही, कुछ मसला इसमें। अब सीन कुछ ये मैं से हाय जो है ना मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसको पास करूंगा मेरा हारिस वाला वेरिएबल तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी हे हाउ आर यू हारिस जो उसके अंदर की वैल्यू है। अब इस चीज को इसके साथ कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहिए आप लोगों को क्योंकि इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है पहले कि ये हमारा वेरिएबल है और इज इक्वल टू के थ्रू आप क्या काम कर रहे हो उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस है हमारा हारिस जो एक तरह का रेफरेंस बना हुआ है यहाँ पे, किसका इस वैल्यू का रेफरेंस बना हुआ है, ये वैल्यू हमारी ये भी हो सकती थी। तो अगर मैं हारिस मैंने उसको रेफरेंस दिया है तो हारिस के थ्रू मैं अपनी इस रैंडम वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा जी तो ये हो गया हमारे पास। और अब आकर सिंपल सीन कुछ ये है कि मैं आकर दोबारा से हाय को कॉल करवाता हूँ और आकर इस बार इसको पास करता हूँ मेरा अली वाला वेरिएबल। दोबारा अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं नोट और ये हे हाउ आर यू हारिस हे हाउ आर यू अली, हमें कोई यहां तक आकर मसला नहीं है, बेस्ट है। ओके जी अब सीन कुछ ये है हमारा यहां तक आकर मैं आप बात कर रहा था अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में। वैसे आप लोग यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार आप कॉमन जिस कैसे यूज कर सकते हो, वैसे मैं एक और काम कर रहा हूँ मैं ये जो फंक्शन है ना मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं अपने इस फंक्शन को आकर बनाऊंगा अपने सेट इंटरवल के अंदर आकर सेट इंटरवल, ठीक है। और सेट इंटरवल क्या चीज थी हमने देखा था एग्जैक्टली आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होगा आपका फंक्शन बार बार रन कर रहा होगा, तो मैं इसको टाइम दे रहा हूँ 1000 मिलीसेकंड्स का मीन्स एक सेकंड, ठीक है। और आप इसमें आकर क्या कॉल कराओगे अपना से हाय वाला फंक्शन कॉल करा रहा हूं मैं इस बार आकर, ये नहीं कर रहा मैं। हम लोगों ने बात की अपने कॉलबैक्स के बारे में भी, कॉलबैक के बारे में बात की है ना, कॉलबैक होता क्या है कि आप अपने फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन रन कॉल करवा रहे हो, ऐसे ही वो हमारा कॉलबैक है। तो सेट इंटरवल सेट टाइम आउट एड इवेंट लिसनर हमारा ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे कॉलबैक्स हैं क्योंकि वो एक खुद में फंक्शंस हैं अपने अंदर खुद एक फंक्शंस हैं
और उनके अंदर कोई और मैं फंक्शन अपना जो है ना कॉल करवा रहा हूं, तो वो मेरे क्या है, एक तरह के कॉल बैक है। अब सीन कुछ है यहाँ पे आके, अब अगर मैं करूं मेरा नोड करके एप डॉट जेएस दोबारा रन करते हैं और एंटर करते हैं, तो क्या होगा, हर एक सेकंड के बाद हे हाउ आर यू अनडिफाइंड, हे हाउ आर यू अनडिफाइंड आ रहा है। बेसिकली मुझे इसमें पास करना पड़ेगा अपना वो पैरामीटर, मैंने पैरामीटर पास नहीं किया अपना, अपना पैरामीटर पास कर देते हैं यहाँ पे आके। मैं इसको अपना पैरामीटर दे देता हूँ हारिस वाला एक, तो और इसमें मैं एक पैरामीटर दूंगा अली वाला भी, ठीक है। सेट इंटरवल में दोनों चीजें रेंडर हो रही हैं, तो अब इसमें एक दो ये भी मसला है, आपको बार बार अपना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल एस करो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब इसमें ये चीज नहीं है, सर्वर रिस्टार्ट करना है। कंट्रोल सी कमांड ऐड करो, कंट्रोल सी सी एल एस करो दोबारा से, और दोबारा इसको रन करेंगे। नोट करके क्या है, एप डॉट जेएस और एंटर, तो आएगा एक सेकंड के बाद हाउ आर यू हारिस, हाउ आर यू अली, हर एक सेकंड के बाद अब ये चीज मेरी रिपीट होती जाएगी। चेक करें मेरा टर्मिनल क्या काम कर रहा है, हर एक सेकंड में मेरी ये चीज रिपीट कर रहा है। ऑब्वियस अगर मैं इसको ये 100 कर दूंगा तो क्या होगा, बहुत स्पीड से मेरे पास ये काम होता रहेगा, क्योंकि मैंने टाइम उसका कम कर दिया। तो बताने का ये मकसद कि यार आप लोग यहाँ पे आके किसी भी तरह का अपना जो है ना कोड लिख सकते हो, प्योर जेएस वाला आपका प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा था मेरी मॉड्यूल के बारे में। अब मॉड्यूल के बारे में कैसे बात करनी है हम लोगों ने, मैं अपने इसी कोड को स्प्लिट करने वाला हूं। अब आकर स्प्लिट करने से क्या मतलब है कि यार मैं अपनी सिर्फ एक फाइल में रहकर सारा काम नहीं करूंगा, मैं आपका काम अपना काम करूंगा अपनी डिफरेंट फाइल्स में रहकर। आप लोग यहाँ पे आके अब एक चीज देखो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन निकल कर आ सकता है यहाँ पर कि यार क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी एक फाइल को रन करेंगे यहाँ पे आके, क्योंकि अगर मैंने इस अपने कोड को स्प्लिट कर दिया है, कैसा हो कि मैं अपना एक फाइल सेपरेट फाइल बनाऊं जिसका मैं नाम रख रहा हूँ नेम्स डॉट जेएस, ठीक है, जिसमें मैं क्या काम करूंगा, इसमें आकर जो है ना मैं कंट्रोल एक्स करूंगा मेरे दोनों नामों को और पेस्ट करेंगे यहाँ पे आके, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अपनी एक और फाइल बनाऊंगा मैं जिसका नाम रखूंगा यूटिल्स डॉट जेएस, इसको बोला जाता है यूटिलिटी क्लासेस, यूटिलिटी बोला जाता है इस चीज को, मतलब आगे कस्टम फंक्शंस। तो इसमें आकर मैं क्या काम कर रहा हूं, अपना ये वाला मेरा जो फंक्शन है ना, जो मेरा ये फंक्शन है कंट्रोल एक्स करूंगा इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर रहे हैं हम, क्या मसला है इसमें। और जो हमारी एक ऐप है जैसे इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, इसमें आकर याद मैं अपने फंक्शन को कॉल कराऊंगा या सेट इंटरवल में अपने फंक्शन को कॉल कराऊंगा, वो मेरी मर्जी है। तो आप लोगों का एक बीच में क्वेश्चन निकल कर आ सकता है यार कि क्या हम लोग सिर्फ अपनी एक फाइल को रन करने वाले हैं, हमारे पास नेम्स वाली भी फाइल है, हमारे पास यूटिल्स वाली भी फाइल है, और हमारे पास एक ऐप डॉट जेएस वाली फाइल है, हम लोग रन किसको करने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ एक फाइल का रन होगा। ये बात हमेशा याद रखो, आपका सर्वर सिर्फ एक फाइल में पड़ा होता है, मल्टीपल फाइल्स आपकी नहीं होती कभी भी, सर्वर आपका सिर्फ एक फाइल का। इसको आप देख सकते हो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल रिएक्ट के अंदर की एक रूट फाइल थी हमारे पास, वो इंडेक्स डॉट जेएस की, उसी के अंदर क्या हो रहा था, हमारा पूरी की पूरी जो ऐप है वो रन होती थी उस इंडेक्स डॉट जेएस में जाकर, ऐसा सिस्टम होता था। अब सीन कुछ ये है, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक ऐसी फाइल होगी, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास एक एडवांटेज है कि वो हमें खुद वो फाइल नहीं दे रहा, हमारी मर्जी हम लोग किसी फाइल को रूट फाइल बना दें, ये हमारी मर्जी है इस बारे में, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें उसने हमें दी होती इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल, वही हमारी रूट फाइल होती थी। यहाँ पर हमारी मर्जी है, रूट फाइल कुछ भी बना दो, बस उसी में हमारा क्या होगा, बाकी सारा कोड उसमें आकर रन कर रहा होगा। इसको इस तरह से कोड हमारा स्प्लिट होता है और हमारे मॉड्यूल्स काम कर रहे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अब सीन कुछ चाहिए, सेट इंटरवल मेरे पास है, अब ये जो मेरे पास नेम्स है यहाँ पे आके, मैं इस नेम्स को किसी तरह से जो है ना इस ऐप डॉट जेएस के पास भेजना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये नेम वाला जो है ना कॉल हो रहा है मेरा, वही नेम वेरिएबल जो हारिस जो है ये मेरा कॉल हो रहा है, और ये जो ड्यूटीज वाला फंक्शन है ये भी मैं रन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका अब अगर मैं नोट करके खाली ऐप डॉट जेएस ऐसे ही कर देता हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, एरर। ऑब्वियस आप लोग एरर एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बोलेगा कि यार से हाई नॉट डिफाइंड और हारिस भी नॉट डिफाइंड, कि हारिस भी दूसरी फाइल में एंटर करो वो देगा आपको एरर, से हाई इज नॉट डिफाइंड, पहले क्योंकि फंक्शन रन कर रहा है, वो बोला से हाई इज नॉट डिफाइंड, अगर से हाई को यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा वो बोलेगा आपका हारिस इज नॉट डिफाइंड, एरर आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे क्या काम करना है, मुझे किसी तरह से उनको वहां से यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। अब जो है ना मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, एक सेपरेट फाइल बना रहा हूँ मैं जिसका मैं कह लो डॉक्यूमेंट्स डॉट जेएस, और इसमें आपको थोड़ा सा कह लो कि आप लोग ये नॉलेज के लिए नोट्स बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, नोट्स या इसका नाम है नोट्स रख रहा हूँ, नोट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब आओ इसमें जरा, इसमें जो है ना हमारे पास क्या क्या चीज होती है, हमारे पास एक चीज होती है सिंपल कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं आकर करता हूं मेरा मॉड्यूल कुछ इस तरह की चीज, सी एल एस कर रहा हूं इस चीज को, कंसोल डॉट लॉग में आकर क्या काम करूं अपना मॉड्यूल, अगर आप कर हम लोग इसको करते हैं नोट करके अपने इस नोट वाली फाइल को रन करते हैं, और ऐसे कैसे करते हैं एंड, ओहो ये मैंने किसको रन कर दिया, पीएनजी को रन कर दिया ना मैंने, नोट डॉट पीएनजी को मैंने रन कर दिया, मुझे इसको नोट्स को रन करना है, नोट करके मेरे नोट्स डॉट पीएनजी, नोट्स डॉट पीएनजी, वो मुझे एक तरह का पी एंजीनियर जेएस, लेकिन वो मुझे एक तरह का एरर दे रहा है प्रॉपर यहाँ पे आके। अब देखो एरर वो क्या कह रहा है,
ये हमारे पास एरर वैसे ये नहीं है, वो मुझे प्रॉपर से मॉड्यूल का शो करवा रही है मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं। अब देखो क्या क्या चीजें आपके मॉड्यूल, पहले तो आप ये देखो मॉड्यूल मॉड्यूल है क्या, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, एक तरह का ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट देखे हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट में आप लोगों को, है। तो हमारे पास मॉड्यूल क्या तरह का ऑब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या चीज हमारे पास पड़ी है, आईडी, पाथ, एक्सपोर्ट्स, फाइल नेम, लोडेड चिल्ड्रन और पार्स, हमारे पास कुछ ये चीजें पड़ी हुई है। अब यहां पर हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए ये खुद एक एक्सपोर्ट्स, हमें एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे आके, ठीक है। तो अगर मुझे ये मॉड्यूल में से एक्सपोर्ट्स को निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप अपना वही ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखो। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट और अपने आपने उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक की को टारगेट करना, आप कैसे करते थे, सिंपल डॉट था ऐसे ही है। तो मतलब मैं यहाँ पे अगर कर दू कंसोल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स तो मुझे ये वाला एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा, ऐसे ही है। सेव करते हैं इसको, टेस्ट करते हैं एक बार, आकर सीएलएस करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं ऐसे, तो आप देखो बिल्कुल आ रहा है, पता ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। तो सीन कुछ यही, हमारा एक मॉड्यूल है, हमने क्या काम करना है, कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट करनी है। हमने इस एक्सपोर्ट को जब एक्सेस कर लिया है, इसके थ्रू हम लोग अपना पूरा का पूरा एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ से आके, अब यहाँ पे आकर वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होने वाला, ये आपका काम करेगा एज एन मॉड्यूल की बेसिस पर। अब वो किस तरह से काम होगा, आप लोगों का पहले आऊंगा मैं यहाँ पर, और पहले आकर मैं काम करूंगा मेरे यूट्यूब वाली क्लब पेज में, इससे आया मैं पहले यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। पहले यहां से इसको एक्सपोर्ट करेंगे और इसको वहां पे इंपोर्ट वापस हमें करना पड़ेगा। पूरा साइकिल हमेशा याद रखो, अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है तभी वो इंपोर्ट होगी, अगर ऐसे उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे वो काम नहीं करनी आप लोगों की, पहले उसको एक्सपोर्ट हो रही है। तो इसको एक्सपोर्ट हमें किस तरह से करना है, आप लोग लिखोगे यहाँ पे आके अपना मॉड्यूल, मीन हमारी जो की थी डॉट करके क्या था, एग्जैक्टली डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। और वो क्या एक तरह का ऑब्जेक्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो एक तरह का ऑब्जेक्ट था, तो कुछ ऐसे कर सकते हैं ऐसे हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। और मुझे एक्सपोर्ट किसको करना है मुझे बताना पड़ेगा, किसको एक्सपोर्ट करना है मुझे, से हाय को भाई यहाँ से आके मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, सिंपल, ये सिंपल हमारा ये काम बनेगा यहाँ पे आके। कुछ इसकी समझ आती है हमें काम क्या हो रहा है, प्योर जेएस। तो अब अगर आकर मैं दोबारा से अपने जो है ऐप डॉट जेएस को रन करता हूं, तो अब मुझे से हाय का एरर नहीं मिलेगा, अब मुझे हारिस का एरर मिल सकता है यहाँ पे आके। टेस्ट कर लेते हैं, सीएलएस नोड ऐप डॉट जेएस और एंटर, और सर वो एरर से अभी वो कह रहे हैं, अच्छा मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, मैंने उसको एक्सपोर्ट किया बट इंपोर्ट तो किया नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट इसकी डिफरेंट है, वहां पे इंपोर्ट कैसे थी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, उसके आगे हम लोग पाथ देते थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास कुछ और जो है ना एक फंक्शन होता है इसका रिक्वायर के नाम से, रिक्वायर मैं अगर आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं, अगर रिक्वायर शायद मुझे शो करवाए कुछ रिक्वायर, अगर मैं कहता हूँ इस चीज को आकर, अब आप लोग आकर देखो सीएलएस करके नोट करके मैं वापस अपने नोट्स वाली फाइल को रन कर रहा हूँ, नोट्स और एंटर। तो ये देखो आपके पास रिक्वायर भी क्या है, एक तरह का खुद आपके पास फंक्शन है, ठीक है। रिक्वायर आपके पास क्या है, ऊपर वाला जो ये ऊपर वाला जो है वो मॉड्यूल के लिए है, ये वाला ऊपर जो ये मॉड्यूल के लिए था, लेकिन नीचे हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ रहा है सारा का सारा रिक्वायर के लिए। और मैं इसके साथ आप लोगों के लिए ये चीज ऐड कर, इसके साथ आकर मैं अपना डबल कोट ऐड कर ताकि आप लोग समझ आ जाए कि ये क्या क्या चीज है, रिक्वायर फंक्शन, रिक्वायर मेथड, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर मेथड है। और इसके साथ आकर मैं डबल कोट ऐड करता हूं अपने कॉमा करके मॉड्यूल मेथड, ठीक है। सेव करो, ब्राउजर में आओ, इसको सीएलएस करो, ब्राउजर नहीं अपना टर्मिनल नोट करो, और क्या है नोट्स डॉट जेएस और एंटर, चेक करें इसको। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये रिक्वायर का मेथड आ रहा है हमारे पास, यहाँ से रिक्वायर का मेथड स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर हमारे पास ये मॉड्यूल मॉड्यूल का मेथड है। रिक्वायर का मेथड देखो क्या कह रहा है क्या एक तरह का फंक्शन है रिक्वायर, कोड को बस समझ लो अभी के लिए, अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा, अभी इसको देख रहे हैं हम लोग। देखो इसमें चीजें क्या क्या है, ये क्या हमारा एक तरह का फंक्शन है। तो अगर आप लोग आके इसमें देखते हो, इसमें चीजें हमारे पास एक एक्सपोर्ट भी आ रही है, चिल्ड्रन हमारे पास कुछ आ रहे हैं, पाथ वगैरह आ रहे हैं, पाथ हम लोग कुछ हिस्सा से इसके मैनेज कर सकते हो। पाथ क्या है, खुद एक तरह का एरे है, पाथ हमारा क्या है, खुद एक तरह का एरे है। और नीचे अगर आप लोग आकर देखो तो एक्सटेंशन, उसने हमें कुछ एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है, डॉट जेएस, डॉट जेसन, डॉट नोड, और जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हमने देखा था इस चीज को। तो रिक्वायर का सिंपल मतलब ये है यार आप लोगों का कि यार अब इसके थ्रू आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने उस मॉड्यूल को, बात समझ आ रही है इस बात की, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इस रिक्वायर के थ्रू आप क्या काम करोगे, अपना इंपोर्ट करोगे अपने उस मॉड्यूल को। किस तरह से वापस आते हैं, इसको मैं वापस से सीएलएस करूंगा, सीएलएस टर्मिनल नहीं यार, हाँ टर्मिनल में जाना मुझे, मैं करूंगा आकर सीएलएस, अच्छा यहाँ पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ यार, किल कर लेता हूँ। हाँ इस सब में चार ही तीन मॉड्यूल है ना, नेम्स है, एक यूटिल्स है, और ऐप में तो मेरा सारा का सारा मेन काम हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब आओ जरा यहाँ पे आप लोग, अब सीन कुछ ये है, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट जब कर दिया, मेरी यूटिल्स वाले को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, नेम वाले को बंद कर, बाकी सबको मैं बंद कर रहा हूँ।
सिर्फ इस टाइम मेरा यूटिल्स वाला एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से आके, ठीक है। अब सीन कुछ है, मुझे इसको यहाँ पे आके इम्पोर्ट करना है। क्या है Appian, सॉरी मुझे यहाँ पे इसको ऐप में करना है आकर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इसको ऐप में आकर कैसे करेंगे, आप इसको प्योर जेएस के थ्रू इम्पोर्ट करोगे। वो इम्पोर्ट कैसे होता है, आपका कॉन्स्ट करके या लेट करके आपको वेरिएबल, आपने अपना कोई वेरिएबल बना लिया अपने यहाँ पे आके। यहाँ पे आके मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना वेरिएबल बनाता हूँ। लेट सपोज से हाई के वेरिएबल बना लेते हैं, से हाई इज इक्वल टू आप करो कि रिक्वायर इस बार आकर, ठीक है। रिक्वायर का आपका मेथड यूज होगा और वो रिक्वायर क्या काम करेगा, आपकी आपको तो देना है उस फाइल का नाम जहां से आपका ये फंक्शन आ रहा है आपके पास, तो आपका एग्जैक्ट पास उसका क्या बनता है आपके उस फाइल का, सिंपल डॉट स्लैश करके क्या utils utils.js सेट कर दिया, सही है। लेकिन अभी एक एरर आएगा, मुझे पहले बता रहा हूँ एक एरर है अभी भी, से हाई का ही हाई इस बार नहीं, से हाई का भी मुझे एरर मिल रहा है। और बता दो यार एरर क्यों आएगा अभी मेरे पास वापस से। अगर आप लोगों को रिएक्ट की थोड़ी सी वो एक बहुत ही डीप वाली चीज याद हो तो एग्जैक्टली यार गुड वन यार, मुझे लगा भूल गया लेकिन अच्छी चीज है। या भी मैंने इसको एक्सपोर्ट के करीब, मतलब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इस बार आके, मेरे ये एक्सपोर्टर है सिंपल एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आके मैं उसको एज ए डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहा हूं। मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी इसको देनी पड़ेगी कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि वो सिंपल एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही, हमने अपने रिएक्ट में देखी है ये चीज। अगर आपका सिंपल एक्सपोर्ट है वो आपका कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं आएगा, वो आपका ऐसे आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा दोगे। बट अगर आपका जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है फिर आप उसको उस नाट किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। कुछ ये सिस्टम होता है आपका। अब ये रिक्वायर किया हमने इस चीज को, अब अगर आकर मैं इसको रन करता हूं तो टेस्ट करते हैं, नोट करके ऐप डॉट जेएस और एंटर, अब इसका एरर आएगा। हाँ जी, अब देखो हारिस का एरर आ रहा है हमारे पास, वो तो एरर से यहाँ का एरर खत्म हो गया हमारे पास, हारिस का एरर अब हमारे पास आ चुका है। इतना समझ आ रहा है बस मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगली चीज, अब बारी आती है हमारे पास हमारे उस हारिस की, जो हमारे पास पड़े हमारे नेम्स में, ऐसे नेम्स में वो हमारे पास पड़े हैं। अब सीन कुछ ये है हमारे पास, यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों को एक्सपोर्ट करूंगा। कैसे, हमारे पास मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है एक, है ना, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो जो कि एक तरह का ऑब्जेक्ट है। और क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, मुझे हारिस को एक्सपोर्ट करना है और हरी को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हो गए यहाँ से दोनों वेरिएबल, इनको इंपोर्ट अप करेंगे सिंपल यहाँ पर आकर अपने इस ऐप डॉट जेएस में। इसमें आकर मैं क्या काम करता हूं, इसको इंपोर्ट करना, मैं करूंगा कॉस्ट करके वापस कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफिक उसी के नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। क्या नाम है, हारिस, कॉमा करके अली, और ये आ कहां से रहे हैं, इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से आ रहे हैं ये, डॉट स्लैश करके नेम्स वाली फाइल से। क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं। अब अगर आकर दोबारा इसको रन कर लेते हैं cls नोड करके ऐप डॉट जेएस और एंटर, अब मेरा आएगा स्टाम्प काम कर जाएगा और अब मेरा वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। हर एक सेकंड के बाद क्या काम हो रहा है, मेरा वो प्रिंट करा कर दे रहा है मेरे मॉड्यूल्स के थ्रू। बाउंसर 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 ही गया सारा तुम लोगों का यार, गुड। तो सीन कुछ ये हमारा सिंपल एक तरह का होता है मॉड्यूल, हमारे मॉड्यूल इसमें कुछ हिस्सा से बन रहे होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं इसको पहले आकर सीएलएस कर रहा हूं, यहां पर आकर इसको मैंने सीएलएस कर दिया, ओके यूटिल्स हमारा ये हो गया। अब वैसे इसमें आप ये भी काम कर सकते हो यार, Like, इसमें आप ये अगर इसको एज एन सिंपल एक्सपोर्ट ना करो, कर्ली ब्रैकेट से हटा दो आप, तो अब ये आपका एज एन सिंपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे आके इसको जो है ना किसी भी नाम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने किसको, से आई को किया ना, तो मैं से आई को आकर यहाँ पर कर सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे, और वरना इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ इस बार आकर। अब ये मेरा ऐसे भी काम कर जाएगा क्योंकि मैंने उस बार उसको जो है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, उसके साथ मैंने डिफॉल्ट नहीं लगाया, बट वो मेरा वो जो है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। नोट करके ऐप करो एंटर करो, तो देखो अभी हमारा वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, कोई मसला नहीं है। तो आपका सिंपल एक्सपोर्ट और आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वो कुछ इस तरह से वर्किंग कर रहा है। सीएलएस करते हैं इस चीज को वापस से आकर, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ये जो चीज है ना से अकाउंट से हाई इज इक्वल टू रिक्वायर यूटिल्स, इसका मतलब है इंपोर्ट करवा रहा हूं मैं से हाई को फ्रॉम कहां से, मेरे डॉट स्लैश यूटिल्स वाली क्लास से। ये रिएक्ट वाला सिंटैक्स और ये हमारा नोड.js का सिंटैक्स। अगर आपके मल्टीपल है ना, आप ये बात याद, अगला आप लोगों को याद हो ये चीज, तो मैंने एक और चीज आप लोगों को बताई थी, आप एक फाइल में मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, याद है आप लोगों के, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक बार होता है एक फाइल में रिएक्ट में। यहाँ पर भी कुछ वही सिस्टम है आप लोगों का, कि आप लोग जो है ना, ये अगर आपके पास, ये आपके पास नाम है हारिस और अली, ये दो नाम है आपके पास, तो मैं इसमें ये काम नहीं कर सकता एक बार मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दूं हारिस के लिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देता हूं एक बार हारिस के लिए और एक बार हम लोग कर देते हैं इसको अली के लिए, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोग एक फाइल में मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, तो अगर आप लोगों को लगे कि यार मल्टीपल चीजें एक ही फाइल में से एक्सपोर्ट हो रही हैं, आप लोग फिर उनको आकर एक्सपोर्ट करोगे एज एन सिंपल एक्सपोर्ट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट्स में,
आप फिर इनको एक्सेस भी ऐसे करोगे यहाँ पे आके हारिस रिकमेंड जैसे मैंने एक्सेस किया, सही हो गया। तो आपको ये चीज बताया था कि से हाई जैसे ये हमारा नोड जैसे कुछ ऐसे आप करोगे, और रिएक्ट जैसे अगर आप होते तो आपको उसको कुछ ऐसे करते, इम्पोर्ट से हाई फ्रॉम डॉसाइज यूटिल से या फिर कॉन्स से हाई इक्वल टू रिक्वायर डॉसाइज यूटिल से, बातें दोनों एक ही है। ध्यान से समझाइए सबको किस तरह से हमने वर्किंग किया अपने नोड जैस में मॉड्यूल्स की बेस पर, हमने किस तरह से काम किया। इस चीज को यहाँ पर आकर मैं रैप करो एंड करो इस चीज को आकर, बट अभी हम लोग आगे वर्किंग करेंगे इसकी, इसको यहाँ पर रैप करो बाकी आगे मूव करेंगे।